शार्क वगैरह या वेल वगैरह बड़ी मछलियाँ रहती हैं तो वो छोटी मछलियों को खाती रहती है ना। तो वो उसका नाम रेड ओशन क्यों पड़ा, लाल समुंदर क्यों पड़ा, क्योंकि वहाँ पर खून होता है ना, वहाँ पर खून होता है बस। और ब्लू ओशन होता है जहाँ पर कॉम्पिटिशन कम होता है, जहाँ पर मछलियाँ कम खा रहे हमेशा हमेशा और हमेशा। अगर आप कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि ब्लू ओशन उस जगह पे क्या है, यानी इंदौर जगह है ये, तो यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी डिमांड तो है मगर सप्लाई नहीं। नंबर पहले, ठीक है, नंबर एक सबसे पहले यही है। एक बार अगर आपको इस चीज़ का अंदाजा हो गया कि इंदौर जैसी जगह पर ऑलरेडी इतना कॉम्पिटिशन है, अब मैं क्या नया लेकर है ना, अब मैं क्या नया लेकर आऊँ, जब आपको इस चीज़ के बारे में पता चल गया तो फिर नंबर टू आप अपने आप समझ जाए जो है प्रोडक्ट। देश से मैंने पता लगाया कि मेरा प्रोडक्ट क्या है, अब मेरे पास प्रोडक्ट आ चुका है ना। जैसे यहाँ पे कोई था जिसकी वॉटरिंग प्लांट था, यहाँ पे वाटर वाटर बनाने की फैक्ट्री ये बैठे हुए, ठीक है। तो अब मैंने देखा इंदौर में पानी की बोतल बनाने की जो प्लांट है वो कम है, मैं पानी की बोतल का प्लांट बनाया। अब सिर्फ जो मेरा प्रोडक्ट डिसाइड हुआ है यहाँ पर नहीं होती, अब जो है जिसमें तीसरी चीज देखो वो चीज इसमें ये है कि मेरा कॉम्पिटिशन क्या है, मार्केट के अंदर ऐसे कौन से लोग हैं जो आर ओ बिजनेस में ऑलरेडी हैं, जिनके ऑलरेडी प्लांट चल रहे हैं और उनके प्लांट से वही चल रहे हैं, उन्होंने मार्केट कहाँ कहाँ तक कैसे कैसे कैप्चर करके रखा हुआ है, उनके डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, ठीक है। और उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट प्राइस प्लेस, हमने प्लेस को रख दिया सबसे ऊपर, प्लेस प्रोडक्ट और फिर आएगा आपका प्राइस। अब प्राइस मैं आपको बताता हूँ, देखिए कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो ऑलरेडी मार्केट में 50-60 करोड़ रुपए का काम कर रहा है, आप बहुत नेसेंट स्टेज में है, बहुत नई आप स्टेज में है, आपने लोन लिया, आपने अपना काम स्टार्ट किया, मेरा ये मानना नहीं है कि अगर 20 रुपए की कोई पानी की बोतल बिक रही है तो उसको आप 18 रुपए में बेच सकते, बेच सकते। जब ऑलरेडी एक आदमी मार्केट में बैठा हुआ है जिसका 60 करोड़ रुपए का काम है, तो क्या मैं जो लोन लेके काम करने वाला व्यक्ति हूँ क्या मैं उसको कॉम्पिटिशन दे सकता हूँ, सवाल ही पैदा नहीं होगा। जो अभी हमारे करंट टेलीकॉम सिनेरियो में हुआ है ना, जो एयरटेल आप देख लीजिए, आइडिया देख लीजिए, वोडाफोन देख लीजिए, वोडाफोन और आइडिया का मर्जर ही हो गया रिलायंस के आने के बाद से, तो रिलायंस जियो क्यों चला, रिलायंस जियो के पास इतनी ताकत है कि वो पहले एक साल हमें सिर्फ आधे दरवाजे के डाटा फ्री में देती है। अगर कोई छोटी कंपनी होती तो क्या वो ऐसे कॉम्पिटिशन कर पाती, और जो दूसरी कंपनी है वो कमजोर भी इसलिए पड़ेगी क्योंकि जो रिलायंस जियो है जो मार्केट में जो एग्रेसिव एक कॉम्पिटिटर आया है, उस कॉम्पिटिटर के पास इतनी ज्यादा ताकत है जो 10 साल की अपनी कंपनी लॉस में चलाने की हैसियत रखता है। तो मेरे हिसाब से ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर मैं प्राइस पे आऊंगा कि 20 रुपए की कोई इंसान अगर बोतल बना रहा है तो मैं 18 रुपए की पानी की बोतल बना के बेचने दूं, नहीं है पॉसिबल। तो अब ये जो मेरी कॉस्ट है कम कैसे है, अगर मुझे सिर्फ कॉस्ट के फैक्टर में मार्केटिंग करनी है, मुझे अपनी कॉस्ट कम करके मार्केटिंग करनी है अपने प्रोडक्ट की, तो ये जो है 20 से 19 या 18 कैसे होगी, अब आपने मुझे बताया, मैं सोचा मुझे बताया क्या रास्ता हो सकता है कि मेरी जो बॉटल है उसकी कीमत 2 रुपये कम हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक तरफ से एक्सपीरियंस कम करा क्योंकि आपने बिल्कुल सही 100%, मगर आपने एक छोटी सी चीज मिस कर दी, और अगर आप एक बात से एग्री करते हो तो आप मुझे बताइएगा कि ये जो पूरा एंड टू एंड प्रोसेस है वॉटर मैन्युफैक्चरिंग का, बताइए प्रोसेस ए से लेकर समझ लीजिए, ए से हम शुरू हो रहे हैं और हम जेड पर खत्म हो रहे हैं, ठीक है। पूरे 26 सेगमेंट्स हैं इसमें अलग अलग, ए से शुरू होकर हम जेड पर खत्म हो गए। ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें मैं अपनी कॉस्ट कम कर सकता हूँ, मार्केटिंग एक इनोवेटिव चीज़ है, इनोवेटिव मतलब कि जिसके बगैर काम नहीं चलता आज के मार्केट में, वो मुझे चलिए ही चाहिए। बट क्या जिससे इमेजिन करिएगा, सपोज करिएगा एग्जैक्ट फिगर्स मुझे नहीं पता, बट जो मैं सिर्फ प्लास्टिक की बोतल अपनी बना रहा हूँ
अभी अगर 1 रुपए की मेरे पास तीन बोतलें बन गई तो कोई ऐसी आसपास इंदौर के ऐसी जगह है जो मुझे 1 रुपए में 5 बोतल सप्लाई कर रहे हैं, या हो सकता है कि मैं ये बता दूं कि जो प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जो प्लास्टिक की बॉटल बन रही है, या तो मैं अपने ब्रांड डाल सकता हूँ 5-6 लाख रुपए में, मुझे मशीन मिल जाएगी। अगर वो 5-6 लाख रुपए में मैंने अपना ब्रांड डाल दिया और मेरी कॉस्ट कम हो गई तो अब मैं 18 रुपए की पानी बोतल दे सकता हूँ ना। जो हमारा एक माइंड सेट है ना, हमें बस इससे बाहर नहीं आना, बहुत सिंपल सी चीज, बहुत ही ज्यादा सिंपल चीज। और आज विकास जी ने बंदरों को जो है बहुत परेशान करा है, सारे एग्जाम्पल दे देंगे, तो मैं भी आज थोड़ा सा जो है ये क्या होता है मार्केट में क्या होता है, और मैं आपको एक असली एकदम असली एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ जो साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंट हो चुका है। ये एक लैब है, लैब के अंदर 4-5 बंदर जो है वो छोड़ दिए हैं, और एक सीढ़ी है, प्रॉपर बड़ी सी सीढ़ी है, और उसके ऊपर केले रखती है। साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, अंदर जो गए, चार अंदर गए, वो बाहर से गए, अभी उनका माइंड जो है बाहर की दुनिया के हिसाब से रहना, वो अंदर गए, जैसे ही बंदर ने कोशिश करी कि वो सीढ़ी के ऊपर चढ़ के केला ले ले, तो एक वाटर का होज होता है ना पानी का, तो पाइप होता है, फायर ब्रिगेड वाले भी यूज करते हैं, उन्होंने उस फुल प्रेशर से उसके ऊपर पानी डालना शुरू किया। एक बार गया बंदर, उसके ऊपर पानी डाल दिया, दूसरी बार गया उसके ऊपर पानी डाल दिया, तीसरा गया उसके ऊपर डाल दिया, तो धीरे धीरे क्या हुआ, बंदरों ने ऊपर जाना बंद कर दिया, क्योंकि उनके मेंटल कंडीशनिंग, माइंड की जो कंडीशनिंग होती है वो ये हो जाती है कि मैं सीढ़ी पर जाऊंगा पानी आए, बराबर। इसीलिए कहा जाता है कि जब छोटे बच्चे 7 साल के अंदर के होते हैं तो उनसे हमेशा पॉजिटिव बात करिए। 7 साल तक अगर आपने किसी बच्चे को पॉजिटिव चीजें सिखा दी तो 7 साल के बाद वो एक ऐसा रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होगा जिसका साइकिल में डिप्रेशन नहीं हो सकता। तो हुआ ये कि बंदरों के माइंड में ये चीज आ गई, ठीक है, एक बंदर को उन्होंने इसमें से निकाल लिया, और करते हुए ये भी थी कि अगर एक भी जाता था तो पानी सिर्फ एक के ऊपर नहीं डलता था, पानी तीनों के ऊपर डाला जाता था, 4 में से 1 जा रहा है तो तीन बचे हुए उन तीनों के ऊपर पानी डाला जाता था। तो एक अब उन्होंने क्या करा, उसमें से निकाल लिया और एक नया बंदर छोड़ दिया, नया बंदर है, तीन बंदर पुराने हैं, वो तो जाएगा केले लेने ना, उसको थोड़ी पता है यहाँ पे मामला चल रहा है, कहानी कुछ और है अंदर, तो उसको तो पता ही नहीं, वो तो बाहर से आया है। अब वो जैसे सीढ़ी पे गया तो क्या हुआ, कोई गेस करिए, हमको पता है ना ये ऊपर जाएगा तो हमारे ऊपर पानी आएगा, बराबर। धीरे 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 करके क्या हुआ, अब लॉजिक देखिए खत्म हो चुका है, अब पानी नहीं डाला जा रहा है। जब मैंने नया बंदर डाला था उसके अंदर लेबोरेटरी के अंदर, तो मैंने पानी डालना बंद कर दिया था, मगर अब सबके माइंड में ये है कि ये सीढ़ी पे जाएगा तो पानी सब पे आएगा। तो एक टाइम ऐसा आया कि चारों के चारों बंदर रिप्लेस हो गए, जो बुद्ध भोगी थे बेचारे सबसे पहले के, वो चारों रिप्लेस हो गए, मगर अब जो चार रिप्लेस हुए हैं उन चार के देखिए तो चार नए गए, एक एक करके उनके साथ ही हुआ, एक सीढ़ी पे ज्यादा था अगले दिन आगे नीचे, बस बंदर सारे रिप्लेस हो गए, तीनों नए आ गए, अब लॉजिक नहीं बचा, अब लॉजिक कुछ भी नहीं है, मगर सबको करना है क्योंकि मार्केट में बेचना, हमें बस इस चीज को अवॉइड करना है। जो ट्रेंड है वो तो सेट है, आलू की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो वो सबको पता है प्रोसेस क्या है, आप उसमें क्या नया कैसे, आपने 1 साल ब्रांड चला लिया, 1.5 साल 2 साल ब्रांड चला लिया, आपके पास थोड़ी सी सेविंग हो गई, थोड़ा सा पैसा आपने बचा लिया, आपने उसका पैकेजिंग डाल दिया।